नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सतना जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल सतना के आह्वान पर पेट्रोल के दामों को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। टीयूसी महासचिव कॉम संजय सिंह तोमर ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस निर्लज्जता के साथ केंद्र राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल और रसोई गैसों की कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी कर रहे हैं, उससे देश की जनता समझ तो रही है कि ये वही सरकार है जिसने सत्ता में आने से पहले देश में नंगा नाच कर रहे थे। आज वो सारी नाटक मंडली इस महंगाई को जायज ठहराने में मस्त है, जबकि आज जब पेट्रोल का बेस प्राइस 33.93 रुपए है, सारे खर्च जोड़ने के बावजूद 63.66 रुपए से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए आज की तारीख में पेट्रोल 100.49 रुपए हो चुका है। 22 फरवरी सोमवार को शाम 5 बजे से पुष्करणी पार्क से साइकिल रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस पुष्करणी पार्क में समाप्त हो गई। अब अगला कार्यक्रम जो कि आगामी 26 फरवरी को शाम 5 बजे सतना टाउन हॉल में एकत्रित होकर माननीय सांसद गणेश सिंह जी को फूल के साथ ज्ञापन दिया जाएगा कि जिस तरह से तेल पदार्थों में रोजाना वृद्धि होने के बावजूद सत्ता पक्ष का मूक बधिर बने रहना ये जनता देख रही है। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से TUCC के कॉम, C2 के कॉम तेज प्रताप दुबे और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन सतना इकाई के अध्यक्ष कॉम परिवेश खरे, सचिव कॉम आनंद पांडे खास तौर पर उपस्थित रहे। निकाली है और विरोध किया, किस बात को लेकर आपने आज विरोध किया? आज हम लोग ने जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के नेतृत्व में आज जिस तरह से देश में पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई उसको लेकर विरोध स्वरूप सांकेतिक रूप से आज हम लोग ने साइकिल निकाल कर सरकार से यह मांग करी है कि जिस तरह पेट्रोल के दामों में आप कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं उससे आम जनता के अंदर एक आक्रोश पनप रहा है और उनका जो सामान्य जीवन यापन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो हमारी आज के इस विरोध दिवस के माध्यम से हमारी सरकार से मांग है कि पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में तुरंत कमी की जाए। उसके बाद भी कुछ आप लोगों को प्रदर्शन करेंगे? हाँ, अगला कार्यक्रम जो है हमारा, हम सतना के हमारे जो माननीय सांसद श्री गणेश सिंह हैं उनको हम लोग 26 तारीख को सारे ट्रेड यूनियन मिल करके 26 तारीख को उनको जाकर फूल भी देंगे और उनको ज्ञापन भी देंगे और उनसे मांग करेंगे कि इन तेल के पदार्थों वाले में जो वृद्धि हो रही है इसको लेकर के प्रधानमंत्री से बातचीत करें, वित्त मंत्री से बातचीत करें और इसकी कीमतों में कमी की जाए।